लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में पार्टी का जो हमारा कैडर है, संगठन है, उनको सबको मिलना और काम में सब लगे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने कार्यक्रम निर्धारित किया पन्ना का कार्यक्रम, और सभी विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुके हैं। आज नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये कार्यक्रम था और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ हमारे सारे पन्ना प्रमुख आज यहाँ उपस्थित थे, पार्टी का समस्त नेतृत्व उपस्थित था और सब लोग लग गए हैं। और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने 2019 हिमाचल प्रदेश का आज तक का लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो मार्जिन जो है वो सारा तोड़ा था। लगभग 39,000 कुछ वोट से यहाँ पर जीत, लगभग 40,000 वोट उसको गलत। और अब की बार हमने इनके सामने यही बात कही है कि अब हम सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं, ठाकुर जी भी काम कर रहे हैं, राणा जी भी काम कर रहे हैं, तो अब की बार ये अंतर और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, जीत और बड़ी होनी चाहिए। तो अब की बार यहाँ कहा है कि पिछले रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में पहले स्थान पर नालागढ़ 2019 के चुनाव में भी रहा है और 2024 के चुनाव में भी। अब जी मुख्यमंत्री की जो परिस्थिति है वो बहुत पीड़ा के दौर में से गुजर रहे थे, कहने को तो सुख की सरकार, लेकिन सुख की अनुभूति उनको स्वयं ही नहीं है, बाकी प्रदेश की जनता को तो है ही। वो इस वजह से बहुमत होने के बावजूद भी सरकार पर नियंत्रण नहीं, विधायकों पर जो जिस प्रकार से उनको विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए था उस तरह से काम नहीं किया, और 14 महीने के कार्यकाल में ही जो उनके समर्थन में चाहे वो सहयोग दे रहे थे बाहर से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, 9 लोग उनको छोड़ करके चले गए। ये आज तक के हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि 14 महीने में उनके 9 साथी छोड़ करके उनको चले गए। मतलब इसका मतलब यह है कि नेतृत्व में परिपक्वता नहीं, नेतृत्व में अनुभव नहीं, नेतृत्व में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं, ऐसे में नाराज होकर के निराश होकर के उनके साथ ही जा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इस कारण से पार्टी हाईकमान ने उनको कह दिया है कि जैसे कैसे ये चुनाव लोकसभा के होने दीजिए और चुनाव के बाद जो है उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन। और वो तो नेतृत्व परिवर्तन की बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि सरकार का ही परिवर्तन हो जाएगा जब कांग्रेस पार्टी बहुमत पहले ही खो चुकी है और लोकसभा के चुनाव आने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी। पहले मैं हाईकोर्ट ने नोटिस दे दिया है उनको, जो बोला है आप तथ्य लाइए, अपनी ओर से जवाब दाएंगे। सर उन्होंने जो निर्दलीय विधायक है उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि इनको भी पीटा गया, इसमें क्या कहना चाहिए? एक बात बड़ी साफ कहना चाह रहा हूँ, निर्दलीय विधायक उनकी कृपा से तो चुन करके नहीं गए थे जी, जनता की कृपा से चुन करके गए थे, जनता के कहने पर विकास के लिए जो सहयोग इन्हें मांगा वो सहयोग इनको मिला नहीं। तो ऐसे तो है नहीं कि इनको ऐसा मान करके चलेंगे कि जहां हम इनको आंकते रहेंगे, जहां हम इनको चलाते रहेंगे बंधुआ मजदूर की तरह, उस तरह से संभव नहीं है। इन्होंने भी आत्मसम्मान की बात कही जब उनने निर्दलीय विधायकों के कारोबार पर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी, उनके परिवार के सदस्य के ऊपर जो है मामले दर्ज करने शुरू कर दिए, तो निर्दलीय विधायकों ने तय किया कि हम निर्दलीय विधायक होकर के विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके विधानसभा के अंदर जाएंगे। ये इन लोगों ने एक फैसला किया, एक निर्णय लिया, त्याग पत्र दे रखा है, और त्याग पत्र देने के बावजूद वे अब मुझे लगता है शायद 1.5-2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया। आखिरकार क्यों नहीं? देखो आरोप लगाने के लिए हम भी तो आरोप लगा सकते हैं उनके ऊपर, तथ्य हो ना, हमने कहा तथ्य हैं तो लाइए बताइए। सभी 9 विधायकों ने उनको नोटिस दे रखा है और नोटिस पर उनको कहा कि आपने जो आरोप लगाया इस पर आपके खिलाफ हम मानहानि का दावा करेंगे,